कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और राजस्थान में भी मरीजों की संख्या चिंता की बात बनी हुई है। महज 7 करोड़ की आबादी वाले राजस्थान में 900 के करीब कोरोना पॉजिटिव हैं, जबकि राज्य की राजधानी जयपुर, मुंबई और दिल्ली के बाद देश का तीसरा ऐसा सबसे बड़ा शहर है जहां सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड केसेस हैं। जयपुर में पूरे राज्य के एक तिहाई से ज्यादा यानी 350 से ऊपर मरीजों की संख्या पहुँच गयी है और राजधानी का हॉटस्पॉट इलाका रामगंज, जिसमें अकेले 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। बता दें कि रामगंज की आबादी करीब 6 लाख है और 300 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिलने के बाद इसे देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाका माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रामगंज में कोरोना का विस्फोट हुआ कैसे। दरअसल इसी इलाके में मस्कट से लौटे एक शख्स ने करीब 150 लोगों को संक्रमित कर दिया, जबकि तबलीगी जमात के लोगों ने भी करीब इतने ही लोगों को कोरोना से संक्रमित किया है। इस इलाके में पड़ने वाले माणक चौक और रामगंज थाने के 2 कांस्टेबल भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को भी PPE दिया गया है। वहीं दूसरी ओर सरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए SSS यानी सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग और सैंपलिंग का यूज कर रही है, साथ ही कर्फ्यू भी लगाया गया है। न्यूज डेस्क।